कोरोना को लेकर लापरवाही मत कीजिए, सुरक्षा प्रोटोकॉल फॉलो कीजिए, क्योंकि चिंता फिर बढ़ रही है। सिर्फ 4 दिनों में बिहार में कोरोना के नए केस 73% बढ़ गए हैं। 12 जुलाई को प्रदेश में 72 नए केस मिले थे, 15 जुलाई को यह आंकड़ा 125 पर पहुंच गया। प्रदेश में 4 दिन का यह ट्रेंड देखने से साफ है कि हर दिन के बाद केस बढ़ रहे हैं। तीसरी लहर की आशंका के बीच यह ठीक संकेत नहीं। ये स्थिति बता रही है कि अनलॉक में लापरवाही हो रही है। अभी भी नहीं संभले तो स्थिति फिर से बिगड़ सकती है। 12 जुलाई को बिहार में 72 नए मामले आने के बाद राज्य में एक्टिव मामलों की संख्या 788 हो गई थी, जिसके बाद लगातार लोग कोरोना को मात देकर ठीक भी हुए। 15 जुलाई को 110 लोग कोरोना से ठीक हुए। इसके बाद भी बिहार के एक्टिव मामलों में कमी नहीं आई। 15 जुलाई तक एक्टिव मामलों की संख्या 796 हो गई है। एक्टिव मामलों पर काबू पाना ही बड़ी चुनौती है। एक्टिव केस तभी कम होंगे जब पुराने मरीज ठीक होते जाएं और नए केस कम आएँ। कोरोना के संक्रमण का आंकड़ा बढ़ने के साथ मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। बिहार में 24 घंटों में 4 मरीजों की मौत हुई, इसमें पटना के भी 2 मरीज हैं। बिहार में कुल मरने वालों की संख्या अब 9625 हो गई है, जबकि पटना में यह आंकड़ा 2329 का है। कोरोना वार्ड में भी अब मरीजों की संख्या कम है। हालांकि अभी भी वार्ड में पुराने ऐसे मरीज भर्ती हैं जिनकी हालत में लंबे समय से सुधार नहीं हुआ है। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।